फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं IMEI नंबर के बारे में, जैसे कि हम IMEI नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अबाउट डिवाइस। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेटस। तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए IMEI नंबर। तो यहाँ से हम अपने IMEI नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, दो नंबर होते हैं, दोनों में ही लास्ट की दो डिजिट होती है, वो चेंज होती है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है IMEI नंबर। तो यहाँ पर सर्च में शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इसमें और भी सेटिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी लेवल है। जैसे कि आपने यहाँ पर बैटरी लेवल जो नहीं कर रखा है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं बैटरी स्टेटस है। और यहाँ पर देख सकते हैं IMEI सेव है, इसके बारे में बता चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।